यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब के सेवन से हुई 6 लोगों की मौत के बाद भी पुलिस प्रशासन संजीदा नहीं दिख रहा है। शराब माफिया सरेआम शराब की बिक्री कर सिस्टम को मुंह चढ़ा रहे हैं। ऐसा एक मामला फिर से बुलंदशहर के शिकारपुर में सामने आया, जहां बाइक पर शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी शराब के सौदागर को ढूंढ निकाल गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से शराब के 25 पवे और बाइक भी बरामद की गई है। दरअसल आकाश चौहान बीती रात शिकारपुर नगर में खुलेआम बाइक पर शराब के पवे बेच रहा था। विकास वीडियो में शराब का एक पवा 100 रुपए में बेचता दिख रहा है। रेट को लेकर विकास की खरीददारों से बहस भी होती दिख रही है, जिसका वीडियो पास में खड़े किसी व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी गई। शिकारपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को विकास के कब्जे से 25 पवे और एक बाइक भी मिली है। यह शराब विकास एक ठेके से लाया था और क्षेत्र में ओवर रेटिंग कर बेच रहा था। फिलहाल मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस द्वारा तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया और जो आकाश समक छोटेलाल चौहान ये वो व्यक्ति था जो शराब बेच रहा था, इसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पता ये चला है किसी ठेके से कुछ शराब लेके आया था, वो जो ठेका है उसके खिलाफ भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। बुलंदशहर से जनमत न्यूज़ के लिए सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट।